हाँ जी एवरीवन, अज का जो अपना टॉपिक है वो है जी डिस्क्राइब एन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल के बारे गल करो। एक्वाटिक एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं, फिश, ठीक है जी, जिहड़े मतलब कि एनिमल्स पानी के रहिंदे उन्हां दी गल कर सकते। सो इत्थे थोड़ी जी कोई कॉम्प्लीकेशन है कि अपने एरिया दे विच इहो जिहे प्लेसिस है नहीं जिथे एक्वाटिक एनिमल्स देखे जा सकन। लोग एक्वेरियम च रखते हैं बट एक्वेरियम बहुत रेयरली देखने को मिलता है। सो इतने मैं एक छोटा सिनारियो बनाया कि मैं मेरी फैमिली के नाल बाहर घूमन गया सी, उत्थे मैं देखे। सो स्टार्ट करन लगे जी, वेल अराउंड माई एरिया देयर आंट मैनी वाटर प्लेसिज वेयर पीपल कैन सी एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ फॉर्म और लाइफ की है जी, साडे एरिया दे विच कोई इहो जिहा एक्वाटिक प्लेसिज है नहीं, पानी वाली जगह है नहीं जिथे असी ये देख सकीए भी हाँ जी एक्वाटिक लाइफ नहीं। बट वंस आई वेंट टू शिमला फॉर अ ट्रिप विद माई फैमिली एट द होटल आई सॉ एन एक्वेरियम विद फिशिज एंड टर्टल्स। मैं उत्थे एक्वेरियम देखा जी फिश ते टर्टल सीगे। कित्थे जी? होटल दे विच। कित्थे गए सी? शिमले लास्ट ईयर दे विच। टाइम पीरियड तुसी आप दे हिसाब नाल रख सकदे हो, इहदे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं। अ फ्यू ईयर्स बैक वन डे माई फैमिली डिसाइडेड टू गो टू शिमला टू स्पेंड अ समर वकेशनस। समर वकेशनस दे लई मेरी फैमिली ने डिसाइड किया भी आपां शिमले घूमन चलते हैं जी। सो माई फादर बुक द होटल। मेरे फादर साहब ने एक होटल बुक किया। एज वी वर चैकिंग इन टू द होटल वी सा ह्यूज एक्वेरियम इन द लॉबी। की है जी, जो असी होटल के चैक इन कर रहे थे, मतलब अंदर जा रहे थे, उत्थे चैक इन करना होंगे, डिटेल फिल करनी है, पे करना होंगे, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ वो कर रहे थे मेरे फादर साहब। सो असी की देखिए जी, एक बहुत वड्डा एक्वेरियम देखा जिहड़ा कि उस होटल की लॉबी के लॉबी वो मेन एरिया होंगे, जो कोई भी होटल एंटर करोगे जो मेन एरिया होंगे उन्होंने लॉबी कहा जाता है। बिफोर दैट डे आई हैव नैवर सीन एन एक्वेरियम। सो आई डिसाइडेड टू गैट नीयर टू द एक्वेरियम। मैं कदे तो पहले एक्वेरियम देखा नहीं, सोचा भी कोले जाने जी उत्थे जाके देखते हैं। वैल आई सॉ सो मैनी कलरफुल फिशेज एज वैल एज अ फ्यू स्मॉल टर्टल्स वर स्विमिंग इन एन आर्टिफिशियल इनवायरमेंट। की सीगा जी, वो एक्वेरियम दे विच एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट सी, मतलब मच्छियों के लिए टर्टल्स के लिए वह जहाँ एनवायरमेंट बनाया हुआ सी जिहड़ा उन्होंने आम तौर पर खुले पानी मिलता है। सो उत्थे कुछ रंग बिरंगियां फिशेस सी, कुछ टर्टल्स सी जिहड़े कि स्विम कर रहे सी उत्थे आसे पासे। वैन आई पुट माई फिंगर नीयर द ग्लास फिशेस स्टार्टेड टू कम टूवर्ड्स माई फिंगर। जो मैं ग्लास से उंगल करी या ग्लास करी उंगल करी तो सडनली फिशेस उधर मेरी साइड में आने लग गई, उधर आने लग गई। एट दैट मोमेंट द टर्टल स्टेड इन देयर ओन रैल्म। पर जो कछू से जो टर्टल से जोड़े वो आपकी मस्ती से आपके एरिए रैल्म एरिया उसे। सडनली द लॉबी मैनेजर केम टू मी एंड ऑफर मी टू फीड द फिशिज। की सीगा जी, लॉबी मैनेजर आया, उन्हें मैंने कहा भी हाँ भी फिशिज न फीड करना चाहोंगे, खाना देना चाहोंगे? विदाउट एनी हैजीटेशन आई सैट यस। मैं किसी हैजीटेशन उन्हें कहता भी हाँ जी मैं बिल्कुल प्रैफर करूँगा। दैन द मैनेजर गेव मी अ बॉक्स एंड पॉइंट मी टूवर्ड द फार कॉर्नर। दैट कॉर्नर वॉज द फीडिंग ग्राउंड ऑफ द फिशिज। उन्हें मैंने पॉइंट आउट किया भी वो कॉर्नर के इन्हों फीडिंग ग्राउंड है, तो उत्थे यह बॉक्स के नाल उन्होंने फीड कर दे। एक्चुअली इट वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर विद एक्वाटिक लाइफ। ये मेरा पहला इनकाउंटर से, या मैं पहली बारी फिशेज या इस तरह के जानवरों के नाल पहली बारी मेरा सामना होया सी। एट फर्स्ट आई वॉज बिट नर्वस। पहला मैं थोड़ा नर्वस सी, बट दैन द मैनेजर कंसोल मी एंड टोल्ड मी दैट नथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, डोंट गैट अफ्रेड, डरो ना। सो आई ट्राई टू फैड द फिशेज वेयर एवर आई पुट द फीड द फिशेज गो देयर। जिते भी मैं फीड पाँगा सी फिशेज हो। दैन आई आस्क द मैनेजर दैट आई वॉन्ट टू क्लिक फोटोग्राफ्स। सडनली ही टोल्ड मी दैट दैट इज़ नॉट अलाउड। एक्चुअली आई गट अ बिट नर्वस बिकॉज ही रेज हिज वॉइस। की सीगा जी, मैं उन्होंने कहा मैं फोटो खिंचनी है, दैन उन्हें थोड़ी आपकी आवाज़ वड्डी करके कहा भी नहीं, ये नहीं अलाउड है। सडनली ही स्टार्टेड टू लाफ। सडनली मैनेजर हसन लग गया बिकॉज ही वॉज पुलिंग माई लैग। की सीगा जी, वो मेरी टंग खिंच रहा है, या मैंने जस्ट जिमें पाया सार्केज़म की गल कर देने, छेड़न की गल कर देने, उस तरह से। सो ही टोल्ड मी दैट यू कैन क्लिक एज मैनी पिक्चर्स एज यू कैन, किन फोटो खिंच लो। दैन आई क्लिक सम सैल्फीज एज वैल एज सम फोटोग्राफ्स
विद माई फैमिली एंड द मैनेजर की है जी, मैं आपकी फैमिली तो मैनेजर के नाल कुछ फोटोग्राफ क्लिक की। दिस वॉज द बेस्ट मैमरी चंक इफ आई से, जे मैं कह ये सब तो ज़्यादा वधिया यादा का टुकड़ा गा जो मेरे को जो मैं प्रैफर किया या मैं फील होया या मैं बनाया। सो दैट वॉज द टाइम वैन आई वॉज वेरी नियर टू आ एक्वाटिक लाइफ, और इट वॉज द टाइम वैन आई सॉ एक्वाटिक एनिमल। थैंक यू।